शरीर का दुबलापन एक ऐसी स्थिति है जो हमने देखा है परिवारों में, शादी तक बच्चियों की टाल देती है। बच्चियां बहुत दुबली पतली होती हैं तो कभी कभी उनको शादी तक होने में दिक्कत होती है। और जो अच्छे परिवार के बहुत से लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, जो खाते पीते घर के नहीं दिखते क्योंकि बहुत दुबले दिखते हैं। तो आज हम आपको मदद करेंगे कि आप खाते पीते घर के दिखें, और जिन बच्चियों की हमारी शादी रुकी है बहुत दुबले होने के कारण, वहाँ भी उनका कार्य ना रुके और वहाँ अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से गुजारें। तो बताते हैं साथियों, एक आपको 5 रुपए की लागत में तैयार होने वाला ऐसा घरेलू नुस्खा जो कुछ वक्त में आपके वजन को बढ़ा देगा, मान के चलते हैं 1 महीने में आपके वजन को बढ़ा देगा। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, दुबलापन, शरीर का दुबलापन एक बहुत बड़ी समस्या है। तमाम हमारे यहाँ मरीज आते हैं, बहुत से लड़के होते हैं, बहुत सी लड़कियाँ होती हैं जो बहुत दुबले पतले होते हैं। लड़कियों की शादी के लिए उनके अभिभावक चिंतित रहते हैं, लेकिन कभी कभी दुबले होने कारण बच्चियों की शादी होने तक में दिक्कत आती है और वह चाहते हैं उनका वजन बढ़ जाए। बहुत कुछ वो लोग आजमाते हैं जिसमें दूध और शहद का नुस्खा भी है, और इस तरह तमाम नुस्खे आजमाते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें फ़ायदा नहीं हो पाता। फिर क्या करते हैं, ऐसे वजन बढ़ाने के इच्छुक लोग जिम या बाज़ार से प्रोटीन पाउडर खरीदने लगते हैं जो उनके शरीर के लिए अत्यंत घातक होते हैं। तो वो ऐसा ना करें, उनको इसकी ज़रूरत ना महसूस हो, इसके लिए हम आज आपको एक अचूक घरेलू नुस्खा बताते हैं जो आपके वजन को बढ़ाने में सहायक होगा, वेट गेन करने में सहायक होगा और आपको समाज के बीच हृष्टपुष्ट और खाते पीते घर का एहसास दिलाने में लाभकारी होगा। यह साथियों किसी मेडिकल कंडीशन का विकल्प नहीं है नुस्खा, लेकिन एक अच्छा नुस्खा है। अगर आपको यह डाइजेस्ट हो तो आप कर सकते हैं। और इसके लिए साथियों आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको 6 अंजीर ले लेनी है, 6 फिग्स, अंजीर यानी फिग्स, आपको 6 अंजीर ले लेनी है, और आपको ले लेने हैं 30 ग्राम रेजिन्स यानी कि किशमिश, 30 ग्राम आपको किशमिश ले लेनी है। इन रेजिन्स को और फिक्स को आपको रात में भिगो देना है, रात में भिगो देना है, और सुबह इसको दिन भर में आप 2 बार में खा सकते हैं। सुबह शाम आप इसको 1-1 चम्मच ले सकते हैं, और ऐसा आप 1 महीने तक करेंगे, आप देखेंगे कि आपका वेट गेन होने लगा। बहुत अच्छा नुस्खा है साथियों यहाँ वेट गेन का, और मेरे ख्याल से बहुत आसान भी है। आपको 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना है, बस केवल उसको भिगो देना है और सुबह उसको सेवन कर लेना है और शाम को सेवन कर लेना है। और साथियों ये क्यों वर्क करेगा हम आपको ये भी एक्सप्लेन करते हैं। यह नुस्खा साथियों इसलिए काम करेगा क्योंकि अंजीर यानी फिग्स में पाया जाता है जिंक और आयरन, बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। और अंजीर साथियों इस मानव जाति का कल्टीवेट किए जाने वाला या कहूँ इस संसार का सबसे ओल्डेस्ट क्रॉप है, सबसे पुराना क्रॉप है, यानी आदि काल से, आदि मानव के दौर से लोग अंजीर का सेवन कर रहे हैं। तो इसमें जो आयरन और जिंक होगा वह आपके वेट गेन करने में हेल्प करेगा। और रेजिन्स यानी किशमिश में साथियों पाया जाता है ओलिनिलिक एसिड, आपके वेट गेन करता है, आपके वेट को बढ़ाने में मदद करता है। साथ में किशमिश में तमाम और कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो एनर्जेटिक होते हैं। आप इस नुस्खे को करिए साथियों, और हमको कमेंट पोर्शन में लिख के बताइए कि 1 महीने में आपका वेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे पाए। निवेदन करेंगे साथियों कि ये जो नुस्खा है साथियों इसको आप कुशल चिकित्सक से
पूछ के ही लीजिएगा। वेट लॉस या वेट गेन ना होने के बहुत से कारण में कोलाइटिस हो सकती है, कई हार्मोनल कारण हो सकते हैं, थायराइड हो सकते हैं, बहुत समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन हाँ ये एक नुस्खा है जो आपको लाभ देगा। और साथियों एक बोनस दवा के रूप में हम आपको होम्योपैथिक दवा भी बताते हैं जो आपका वेट गेन मदद करने में सहायक है, और दवा का नाम है अल्फा अल्फा। अगर आपका दुबलापन है आपको शरीर को, तो आप अल्फा अल्फा का मदर टिंचर 20 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं, यह आपका वेट गेन करने में सहायक होता है। लेकिन क्योंकि यह दवा है तो बिना कुशल चिकित्सक से परामर्श करे बिना यह दवा मत लीजिएगा। निवेदन करते हैं साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।